भी अपनी वीडियो को बिल्कुल ऐसे ही एडिट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको काइन मास्टर ओपन कर लेना है। सबसे पहले हम अपनी वीडियो को अपलोड कर लेते हैं काइन मास्टर में। इसको हम पीछे से थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल सिंपल सी है हमारी वीडियो। कुछ आपको भी ऐसे ही शूट कर लेनी है वीडियो। उसके बाद हम इसमें म्यूजिक डालेंगे। बाकी की हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम बादल वाले PNG को ऐड करेंगे। इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। क्रॉप वाले ऑप्शन में जाके इसको थोड़ा फेदर को हम इंक्रीज कर देते हैं। इसकी हम थोड़ी स्पीड को कम करते हैं ताकि ये वीडियो के एंड तक हो जाए। उसके बाद हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। ब्लेंडिंग में रखना है हमें मल्टीपल। इसके बाद हम एक और PNG ऐड करते हैं ब्लू टोन वाले। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्रॉपिंग में जाके इसके भी फेदर को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं और इसको वीडियो के एंड तक कर देते हैं। दोनों को हमने इन एनिमेशन लगानी है फेड वाले, जिनकी सेटिंग करनी है हमें 0.5। बादल वाले PNG की भी सेम फेड और 0.5। डन। अब देखते हैं। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम रिमूव कर देंगे। एक और PNG हम ऐड करते हैं। तो दोस्तों इसमें और लेयर इसमें ऐड नहीं हो रही, तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम इसको सेव कर लेंगे। दोबारा से उसी वीडियो को ऐड कर लेंगे जो हमने सेव करी थी। उसके बाद हम एक और लेयर ऐड करेंगे के ब्लेंडिंग मोड को चेंज करेंगे। ब्लेंडिंग मोड में हमें रखना स्क्रीन। एडजस्टमेंट में जाएंगे, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देंगे और इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ा इसको स्लो मोशन में करेंगे। जब ये हाथ ऊपर उठ रहा है ना, तो हम यहाँ पे अपने कटआउट को ऐड कर लेंगे। कटआउट की हम यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेंगे। थोड़ी सी ओपासिटी को कम करते हैं और चाबी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमें अपने फोटो के थोड़ा सा ऊपर उठाना है और एक लॉक लगा देना है। फिर से थोड़ा सा ऊपर उठाना है, एक लॉक लगा देना है। फिर से ऊपर उठाना है, एक लॉक लगा देना है। ऊपर उठाना है, लॉक लगा देना है। ऊपर उठाना है, लॉक लगा देना है। वीडियो के एंड में ऊपर उठाना है और लॉक लगा देना है। तो देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।
और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।